अमिताभ बच्चन की एक गलती से फ्लॉप हो गई थी अग्निपथ। 1990 में रिलीज हुई फिल्म अग्निपथ को आज भी अमिताभ बच्चन के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म ने अमिताभ के एंग्री मैन स्टाइल को और भी पक्का कर दिया था। अमिताभ किसी भी फिल्म के सुपरहिट होने की गारंटी बन चुके थे, लेकिन उस दौर में देखने वाले दर्शकों ने पहली नजर में फ्लॉप घोषित कर दिया था। 16 फरवरी 1990 के दिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो पहला ही शो देखकर निकले लोगों ने फिल्म से निराशा जताई। यही दूसरे शो और फिर आगे के शोज में हुआ। सिनेमा घरों के मालिकों और डिस्ट्रीब्यूटर से ये खबर मेकर्स तक पहुंची। प्रोड्यूसर यश जौहर हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब इसकी वजह जाननी चाहिए तो सामने आया कि लोगों को अमिताभ बच्चन की आवाज पसंद नहीं आ रही है। उस समय छपे कई फिल्म रिव्यू में भी इस बात का जिक्र हुआ कि अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से एक नकली सी आवाज का इस्तेमाल किया है वो इस फिल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हालांकि जिस भारी भरकम बजट के साथ ये फिल्म बनी थी उतनी कमाई ये फिल्म नहीं कर पाई।